आज मैं कमर दर्द के बारे में बात करूंगा, जो हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो कि कमर दर्द की शिकायत करते हैं और टांगों में दर्द करने की शिकायत करते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि हर कमर दर्द और जो दर्द टांग में जाए वो शियाटिका कहलाता है। इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूजुअली लोग आते हैं और किसी से भी दवाई ले के तो चले जाते हैं या स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, घर के करीब किसी भी डॉक्टर से जाके दवाइयाँ ले लेते हैं। अगर आप कहीं से गिरे हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे, या आपने कोई भारी चीज़ उठाई है, तो आपको लाजमी चाहिए कि जी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे इस प्रॉब्लम का हल पूछें। कम से कम एक एक्सरे करवाएं ताकि ये पता चले कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरह बगैर इन्वेस्टिगेशन के काफ़ी अरसे तक कमर का दर्द चलाते रहते हैं और फिर जब हमारे पास फाइनली पहुंचते हैं तो काफ़ी नुकसान उठा चुके होते हैं। जब आपको टांगे सुन होना शुरू हो जाए, चलने में दिक्कत हो, 5 या 6 मिनट से ज़्यादा आप चल ना सकें, तो फिर लाजमी है कि जी आप अपने मुआलिज के पास जाएं और लाजमी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कराएंगे असल कॉज, असल रीज़न जो है बैकए की, वो पता नहीं चलेगी। तो मेरा मशवरा यही है कि जी सिर्फ दवाइयाँ ना खाएं, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उनको बताएं एक्सीडेंट हुआ था या हमने कोई भारी चीज़ उठाई थी तब से ये दर्द जा नहीं रहा, क्योंकि आम जो पट्ठों का दर्द होता है उसको 3 से 4 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए रेस्ट के साथ। अगर वो हफ्ते के से ज़्यादा रहता है तो लाजमन आपको जाके इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। सेहत आपकी जिम्मेदारी, हमारी। डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल।